अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमारा मैड ऑक्स के नाम से माशाल्लाह। ओए ओए ओए, कलर चेक करें, माशाल्लाह बहुत आला हो गया। अच्छा अब ये आ गया जी, हम स्वीट क्रीम्स वालों के पास खा सकें। ये चार इनके मेन्यू में हैं तो हम इसमें से दो ऑर्डर कर रहे हैं। और ये जहाँ से आपके भाई ने बाइट दी है ये जगह। अच्छा भाई, एक उसने अभी किया फनकारी, मुझे नहीं पता, पता नहीं गिर गई या नहीं गिरी, उसने ऐसे किया। नहीं 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 गिरी, बच गई है। ये चेक करें माशाल्लाह, ये एक पैटी आ गई। अभी आ गया जी दूसरा, और अभी आ गया जी तीसरा। ओए 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 ओए, और आपके सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, तो ये अंदर से एम्बियंस इनका माशाल्लाह आला यार, बहुत आला माशाल्लाह। अच्छा तो ये अब पहला जी इंप्रेशन जा रहा है जी, ये है जी जबी काओ। अभी हमने वो मैड डॉग जो है, मुझे लग रहा है स्पाइसी होगा, अच्छा होगा। तो ये जबी काओ जा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, सरदार जफर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ एक नई जगह पे। उम्मीद है आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत जबरदस्त होगी, आपका भाई भी सरदार जफर इकबाल जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा है कि इस व्लॉग को देखने से पहले अगर आपने मेरा क्लैप वर्सेस स्मैश व्लॉग नहीं देखा तो वो ऊपर यहाँ लिंक आ रहा होगा, आप प्लीज उसको जाके देखिए ताकि आपको ये सीरीज समझे। हमने एक एपिसोड शुरू किया था कुछ अर्सा पहले, बेस्ट बीफ बर्गर इन टाउन कौन सा है, तो हमने दो उस टाइम कवर किए थे, स्मैश और क्लैप। तो आज हम जा रहे हैं जी बर्गर कार्ट पे, बिल्कुल इधर गुलबर्ग में ही है, और साथ कुछ मीठा वगैरह तो ट्राई करेंगे। बर्गर कार्ट की पूरी एक हैपनिंग हम देखेंगे अगर उन्होंने किचन विजिट कराया तो चलते हैं वहीं, वहां जाके देखते हैं। बीफ बर्गर उनका मैंने बहुत सुना है, बहुत अच्छा होता है, तो वहीं चलते हैं और वहां देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं कि क्या सीन है। आपने मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको कौन सा इसमें से अच्छा लगा। होपफुली व्लॉग बड़ा अच्छा होने वाला है, एंड तक देखिए। और आपके सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, तो सीन कुछ ऐसा है कि आपका भाई आ गया अपने पहले स्पॉट पर जी, ये है बर्गर कार्ट। अब यहाँ चलते हैं। ये जो मैंने आपको व्लॉग बताया था पूरा, ये आज उसका दूसरा एपिसोड है, और दूसरे एपिसोड में हम आए हैं जी हमारे पहले स्पॉट पर। यहाँ चलते हैं अंदर, हैपनिंग देखते हैं इसकी और फिर आपको बताते हैं कि सीन क्या है, तो स्टे ट्यून विद मी। अच्छा भाई, तो ये अंदर से एम्बियंस इनका माशाल्लाह आला यार, बहुत आला माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो यहाँ तक तो ना बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, अब जाके देखते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ तक ना इसके पैसे पूरे हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ना हैपनिंग शैपनिंग हो रही है माशाल्लाह। तो अभी चलते हैं उनसे, देखते हैं कि अगर वो उन्होंने किचन विजिट करा दिया ना तो बहुत अच्छी बात हो जानी है, ताकि वो ज़रा अथेंटिक हो जाता है। और पूछते हैं उनके, मतलब जो इतना एक हैवी और बड़ा मैंने नाम सुना है, वो बड़ी मुश्किल से ये लिस्ट मैंने सेलेक्ट की है कि पहले आपको दो क्लैप और स्मैश दिखा दिया था, आज ये तीसरा है और ये दूसरा एपिसोड है, होपफुली तीसरा एपिसोड भी आएगा। तो आज हम दो बर्गर कवर कर रहे हैं, पहला बर्गर कार्ट पे आए हैं, इनकी हैपनिंग देखते हैं और फिर आपसे वहीं मिलते हैं। अच्छा भाई, सीन कुछ ऐसा है कि अब आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि चार कोई हमारे स्पेशल बर्गर हैं। अब चार तो मैं खाने से रहा, तो ये अगर मैं आपको ऐसे खा सकूँ, ये चार इनके मेन्यू में है, तो हम इसमें से दो ऑर्डर कर रहे हैं। एक है जी कोई चबी काओ के नाम से और एक है मैड डॉग्स के नाम से, तो ये दो ऑर्डर कर रहे हैं। और एक कह रहे हैं वो बहुत स्पाइसी है, और एक कह रहा है कोई बहुत हमारा ना, मतलब ये दो चलने वाले हैं, मतलब बहुत चलने वाले हैं। तो ये दोनों ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और देखते हैं, और हैपनिंग अगर हुई तो वापस शहर अंदर, उन्होंने किचन विजिट कराया तो चलते हैं माशाल्लाह आपको ना किचन की हैपनिंग दिखाते हैं। और लग रहा है माशाल्लाह कि कुछ अच्छा ही होने वाला है। अच्छा ये है जी मीट माशाल्लाह ज़बरदस्त, और ये जो चीज़ है ना, ये कमाल चीज़ है कि आप एक स्मोकी टेक्सचर इसके अंदर आ जाएगा कोयलों का। हाय 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 माशाल्लाह, ये आ गया जी दूसरा माशाल्लाह। तो सारे जो पैसे हैं ना वो इस स्मोकी टेक्सचर के हैं, असल चीज़ तो एक कोयले की खुशबू एक प्रॉपर आ जाएगी ना इसके अंदर। तो यहाँ तक ना माशाल्लाह, इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर सब कुछ है, मीट के अंदर है, क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, ब्लैक पेपर वगैरह है, अच्छा ये चेक करिए, उन्होंने ना वो ट्विस्ट किया है, ट्विस्ट करने की वजह से ना ऊपर डायमंड टाइप शेप आ गई है ज़बरदस्त, और खुशबू बहुत ही क्रेजी आ रही है माशाल्लाह, आला किस्म की खुशबू आ रही है ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जी ये आ गए जी मशरूम, अब यहाँ ना सारी मेकिंग शुरू होने वाली है, ये ब्रेड वगैरह आ गई है, यहाँ मेकिंग है, और इस साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वाला ओए 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 ओए, ये चेक करें माशाल्लाह। अच्छा इसकी साइज़ भी, पैटी की साइज़ ना बहुत अच्छी है माशाल्लाह, अच्छी खासी साइज़ है, बहुत आला यार माशाल्लाह। ये कौन सी सॉस है? ये बेस सॉस लगा रहे हैं जी। अच्छा इन्होंने इस तरफ वाफेरी चीज़ रखी हुई है, एक ये सारी सॉसेज वगैरह इनके पास हैं, आप देखते हैं इनमें से क्या क्या हमारे लिए। ये मैडॉक्स की सॉस। ओए ओए ओए, कलर चेक करें माशाल्लाह, बहुत आला हो गया। कितना टाइम लगता है इसको तकरीबन? ये 5 से 6 मिनट। सही है यार ज़बरदस्त। ये चबी काओ की ड्रेसिंग, इसमें पिकल लगेंगे। अच्छा इसमें ये पिकल्स आ गए माशाल्लाह। हाँ जी, और इसके बाद इसमें फ्रेश ओनियन,
ऑनियंस आ गई माशाल्लाह, और ये आ गए टमाटर आ गए। अच्छा अच्छा भी बारबेक्यू सॉस जबरदस्त, ये बारबेक्यू सॉस ऊपर आ गई। हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ बंदा यही रुक जाए। अच्छा अब ये इसमें ना ये चीज़ आएगी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये भी चीज़ इसी के ऊपर गरम गरम पैटीज़ के ऊपर ये चीज़ आ गई, और अभी थोड़ी देर बाद आपको ना दिखा देंगे चीज़ क्या करती है माशाल्लाह। ये तीसरा बर्गर था बूमिंग पॉपुलर, इसमें आकर मशरूम टोस्ट किया। अच्छा ये टोस्टिंग मशरूम है माशाल्लाह, ये चलते बहुत अलग खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और ये मशरूम सॉस। अच्छा ये इसके ऊपर आ गए जी मशरूम सॉस, होए 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 माशाल्लाह। और ये जो मैडॉक्स था इसमें ये फ्राई ऑनियन। अच्छा ये फ्राइड ऑनियन आ गए इसके अंदर। अब ये 1 से 2 मिनट के लिए इसके ऊपर लगा दिया था, मेल्ट हो जाए। क्या बात है माशाल्लाह, यहाँ इसके ना पैसे पूरे हो गए बहुत ज्यादा। अच्छा ये रेडी हमारी पैटी, तो ये आ गई थी हमारी पैटीज, ये चेक करें माशाल्लाह, ये एक पैटी आ गई। अब ये आ गया जी दूसरा, और अभी आ गया जी तीसरा। ओए 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 ओए, ये ना जे वीरु की जोड़ी लग रही है, तीन तीन क्या आएगा इसके ऊपर जी? ये मैडॉक्स है। अच्छा इसके ऊपर दोबारा नीचे भी सराचा सॉस के ऊपर भी इसके साथ। अच्छा अच्छा, ये इन्होंने जो इडली सराचा सॉस वगैरह है वो अपनी डाल रहे हैं माशाल्लाह। और हाँ अभी आ गई जी कौन सी सॉस है भाई? ये येलो मस्टर्ड सॉस आ गई माशाल्लाह, ये बारबेक्यू सॉस आ गई माशाल्लाह। मैं कहता हूँ यहाँ ना इसके सिवा ऐसे करके देखें बहुत आला होगा। अब ये तीसरे की तरफ आते हैं, बूमिंग बबलो, इसमें नीचे मशरूम का मशरूम सॉस ऐड किए और अब इसमें हो गया। ये अब हमारा फाइनल टच आने वाला है जी, ये आ गए जी टोस्टेड बंस इसके ऊपर आ गए माशाल्लाह, और रेडी टू सर्व आ गए। आप सिर्फ साइज चेक करें माशाल्लाह, और फिर हम देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा ये है जी हमारे भाई, क्या नाम है जी आपका? हलीम मकसूद। अच्छा हलीम भाई, इन्होंने ये सारी मेकिंग की है और बहुत अच्छे भाई हैं, नाइस भाई, अल्लाह आपको खुश रखे जी। मैं इसको ट्राई करूंगा फिर आपके पास वापस आऊंगा, ठीक है जी। ये हमारा ऑर्डर माशाल्लाह, ये मैडॉक्स आ गया, और ये आ गया जी दूसरा जबीका वाला। अच्छा भाई तो सबसे पहले आप ज़रा नीचे देखें, प्रेजेंटेशन चेक करें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँ जी। हमारा मैडॉक्स के नाम से माशाल्लाह, साइज़ जो है ना वो कमाल है माशाल्लाह, वो जो हमने स्मैश कवर किया था स्मैश से बहुत बेहतर है, और क्लैप तो वैसे अभी ना टॉप ऑफ द बीस जो है वो क्लैप है, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं क्या वजह। और ये तीन है, एक ये है इस साइड पे भी काऊ है, और पता नहीं ये कौन सा है, बहरहाल ये तीन उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट्री साथ दिया है कि उन्होंने आप ये भी टेस्ट करके बताएं, हमने नया मतलब अपनी उसमें ऐड किया है, तो ये भी आप बताएं कैसे है। तो पहले पहले की तरफ आते हैं, अब मैं इसको वैसे खोल के दिखाना बनता तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे करके देखें, ये देखें नीचे ये फ्राइड ऑनियन है, और ऊपर ये पैटी आ गया, और नीचे ये। अच्छा तो ये अब पहला जी इंप्रेशन जा रहा है जी, ये है जी जबी काओ, अभी हमने वो मैड डॉग जो है मुझे लग रहा है स्पाइसी होगा अच्छा होगा, तो ये जबी काओ जा रहा है इसमें आप मान रहे हैं। स्मोकी फ्लेवर है, बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर है, वो जो मीट है वो मैं कैसे बताऊँ आपको, वो इंतहा का जूसी है, और काली मिर्चें मुझे फील आ रही है, और स्पाइसेस भी हैं पता नहीं वो क्या है, लेकिन वो बिल्कुल ब्लेंड हुए हुए हैं, बिल्कुल ब्लेंड हुए हैं स्पाइसेस हैं। आप सिर्फ ये साइज़ चेक करें माशाल्लाह, ये देखें, और ये जहाँ से आपके भाई ने बाइट लिए ये चेक करें, अंदर से आपको शायद स्पाइसेस नज़र आ रहे हो, लेकिन बहुत आला है माशाल्लाह, शंटू त्रीन नहीं है लेकिन अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा है, बहुत अच्छा है, शंटू त्रीन नहीं है। अब जाके ना मीट के ऊपर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर टच करते हैं, सॉल्टी है, काली मिर्ची और कुछ स्पाइसेस हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहे क्या है, लेकिन स्पाइसेस हैं, बहुत अच्छे स्पाइसेस हैं माशाल्लाह। तो शंटू नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है, खाने वाला है। आ रहे पैसे ने उसके वो स्मोकी टेक्सचर जो है ना उसके हैं, जो मैंने कोयले पे दिखाया ऊपर, उसने बाद में दम वगैरह दिया है उस पर, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये अच्छा हो गया, थोड़ी थोड़ा सा लेते हैं भाई, इतनी बाइट मुझे खाई नहीं जानी। अच्छा तो ये आ गया जी हमारा मोस्ट फेवरेट मैडॉक्स, ये चेक करें माशाल्लाह, ये मुझे लग रहा है बहुत ना शंटू लेवल उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बनाया बड़े अच्छे तरीके से, और मशरूम्स वगैरह पता नहीं डाली हैं क्या डाला, तो ये इसकी बाइट जा रही है माशाल्लाह, अल्टीमेट बाइट आप समझ लें अच्छी खासी। सॉसेज जो है ना सारी फनकारी जो मुझे समझ आ रही है वो सॉसेज की है, और ये क्लैप को अभी तक उसने बीट नहीं किया, क्लैप अभी टॉप ऑफ द लिस्ट है, इसको देखते हैं क्या करें। एक और बाइट लेता हूँ, वो कंपटीशन बड़ा टफ है। ओए ओए ओए, मैं बताऊंगा कि
ये क्लैब को बीट कर रहा है नहीं कर रहा है, शंटू लेवल है ये, मैड डॉग्स है ये, जो मैड डॉग्स है ना वो शंटू लेवल है माशाल्लाह, बहुत क्रेजी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मैं इसकी ना एक और बाइट देता हूँ, वैसे बहुत क्रेजी है माशाल्लाह, पहले वाला शंटू लेवल नहीं था, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊँ माशाल्लाह, पैटीज ना इनके जो थे वो अलग अलग थे, इसके पैटीज, इसका पैटीज है ना वो कुछ और टाइप का है, उसमें फ्लेवर कुछ और है मीट का। क्लैब के टक्कर का मिल गया मुझे, क्लैब के टक्कर का आपको भाई को मिल गया, बड़े अरसे से तलाश कर रहा था तो क्लैब के टक्कर का आपके भाई को मिल गया। अब ये तीसरा आ गया जी, पता नहीं इसका क्या नाम था, ये भी इसमें सेम पैटीज वगैरह रखे हैं, और इसके अंदर जो है ना वो मशरूम्स हैं, उन्होंने मशरूम्स की ना अब साइज़ चेक करें यार, मतलब मेरे हाथ जितना उसका साइज़ है माशाल्लाह, तो पैटी का साइज़ अच्छा खासा पैटी का साइज़ था। तो ये क्या करते हैं बड़े जो मतलब सो कॉल्ड बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो पैटी इतना सा और इतना बड़ा बड़ा ऊपर बंद बना के, और मतलब पिक्चर में कुछ और लग रहा होता है, और जब आप वहाँ लेने खाने जाते हैं तो पता चलता है कि जी कुछ और है। तो इसका साइज़ आला है माशाल्लाह, इसकी लोकेशन बहुत सिंपल है, गुलमर्ग 3 में ही बैठा है बिल्कुल पास ही। तो इसके अंदर मशरूम्स हैं, अब इसको ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं क्या सीन है। इसके लाट मान रही है, अच्छा है वो शंटू लेवल नहीं है, अच्छा है। एक और लेता हूँ शायद कुछ चेंज हो जाए इम्प्रेशन, ये चेक करें, सारे पैसे ना इसके मशरूम्स के हैं, मशरूम का ना वो स्मोकी टेक्चर आ रहा है क्योंकि उसमें मशरूम का ना वो थोड़ा थोड़ा आप समझ लें ट्विस्ट कर दिया था उसके ऊपर, फ्राई श्राई कर दिया था, थोड़ा सा टोस्ट कर दिया था, टोस्ट रोस्ट समझ लें आप ऐसे कर दिया था। बहरहाल ये अच्छा है, जो सारे ज़बरदस्त किस्म का है ना वो मुझे, जो मैड डॉग्स है ना इनका बर्गर कार्ट वालों का, ये वाला इसने सही पैसे पूरे किए माशाल्लाह, पता नहीं मुझे ना बड़े जाके ऐसे हिट किया जा गया, ऐसे क्लैब वाला हिट किया, ऐसे क्लैब का जो मीट था ना वो कमाल था माशाल्लाह, तो ये मुझे लग रहा है वैसे ही है। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ कुछ मीठा खाएंगे और आपके साथ वहाँ इसका फाइनल रिव्यू शेयर करूँगा कि ये क्या कहता है। अच्छा अब ये आ गया जी हम स्वीट क्रीम्स वालों के पास, और ये ऑर्डर जा रहा है हमारा जी, देखते हैं। और यहाँ तक ना इसके पैसे माशाल्लाह ज़बरदस्त, और ये जो चीज़ है ना इनमें से कोई एक हम ट्राई करने वाले हैं, अब ये नहीं पता क्या ट्राई करने वाले हैं। हैपनिंग ओपनिंग है माशाल्लाह, अच्छा भाई एक उसने भी किया फनकारी, मुझे नहीं पता, पता नहीं गिर गई है नहीं गिरी, उसने ऐसे किया, नहीं 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 गिरी, बच गई है, उसने कहा ऐसे करो कि गिर जाएगी, मैंने कहा नहीं गिरती। अच्छा ये हमने ब्लिज़र्ड मंगाई है जी इनके पास से, और टेक्सचर ना इसका बड़ा क्रेजी किस्म का टेक्सचर है माशाल्लाह, अब टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आपको कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रंची क्रंची है, आइस थोड़ी है, और ना वो शुगर ना बड़ी वो पाउडर शुगर जिसको कहते हैं ना वो है, और ये चेक करें माशाल्लाह ना वो ये है टेक्सचर है, मतलब वो अच्छी अच्छी है, ट्राई करने वाली आ सकते हैं। अब बात ये है भाई कि अगर पिछला व्लॉग आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो व्लॉग देखें ताकि आपको इस व्लॉग की समझ आए। आज हमने कवर किया है जी बर्गर कार्ट, तीनों बर्गर बहुत अच्छे थे लेकिन शंटू लेवल एक ही था, वो था मैड डॉग्स, बहुत ज़बरदस्त था। तीसरा एपिसोड अभी आप आने वाला है, तीसरा एपिसोड आप देखिएगा और उसके बाद हम खुद डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से जो बेस्ट बर्गर इन टाउन जो हमारी सीरीज़ है उसमें से बेस्ट कौन सा है। अभी तक के लिए होपफुली आपको ये सारी मेरी एफर्ट अच्छी लगी, क्योंकि इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में नई जगह पे आपका भाई इंतजार करेगा आपका। तब तक अपना अपने प्यारों को, जो बीमार हैं प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।